एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, यहाँ पे दोनों पहलू में ममता बनर्जी है। जैसा उड़ाइए ममता बनर्जी का ही मुख दिखेगा। दीदी वर्सेस मोदी यहाँ पर होने को दिख रहा है साफ तौर पर। मैं बोल रहा हूँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अमित शाह जहाँ चले जाते हैं चाणक्य के माने जाते हैं, वहाँ पर जीत भी जाते हैं। यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। यहाँ पे कोई चाणक्य नहीं चलेगा, यहाँ पे एक का सिक्का चलता है, वो है दीदी ममता बनर्जी। यहाँ सोच वहाँ शौचालय, इनकी सोची थी शौचालय बनाने की, शौचालय बनाया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्नति के नाम में दिया क्या शौचालय, और बाद में गैस का दाम ऊपर कर दिया, इंसान ना खाएगा ना जा पाएगा। बार जो मैनिफेस्टो निकाला है बीजेपी ने, उसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, तो जब तक आप सामने वाले को मौका नहीं देंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे? आपने बहुत अच्छा बात बोला कि मौका नहीं देंगे। बंगाल की जनता जो है मौका देने से डर रही है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत स्टेट में उनको मौका मिल चुका है, यूपी में मिला, अभी बिहार में मिला। देखिए बिहार में जो अभी सरकार बना वो अनस्टेबल सरकार है, कब गिर जाएगी कोई पता नहीं। यूपी में मिला, यूपी का क्या हालत है। अच्छा उत्तराखंड में मिला, अभी देखिए उत्तराखंड के एक सीएम को चेंज किया, उसके बाद अभी जो सीएम आए तीरथ रावत, वो और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। इन लोगों के पास तो अच्छे लोग नहीं हैं जो अच्छे से स्टेट को चला सके। बंगाल में भी इन लोगों के पास कोई मुँह नहीं है, मुख नहीं है, जो जिसको मुख्यमंत्री बना के वो जनता के सामने पेश कर सके कि हाँ हमारे पास भी एक चेहरा है, हम लोग इस चेहरे पर लड़ेंगे। वो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह, अमित शाह तो दंगा लगाने का काम करते रहते हैं, और मोदी जी जो है वो अपना जुमला जो देते हैं, बड़ा बड़ा जुमला देते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसी का नतीजा है ये जो अभी आपने बोला कि उन लोग ने एक घोषणा पत्र जो रेडी किया है वो सिर्फ उसमें जुमला है, जुमला छोड़ के कुछ भी नहीं है, वो झूठे वादे हैं। एक वादा वो जनता के साथ पूरा नहीं करेंगे, और यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ दीदी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि दीदी ने जो बोला दीदी ने वो कर दिखाया। स्वास्थ्य साथी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आज तक किसी स्टेट ने नहीं दिया। खाद्य साथी खाना फ्री, उसके बाद आपका पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कन्याश्री, शिक्षा के लिए पढ़ाई रूपाश्री, फिर सबूत साथी वो जो साइकिल मिलता है बच्चियों को, उसके बाद शादी के टाइम में पैसा, फिर 12th पास करिएगा उस टाइम में पैसा, हर फैसिलिटी दीदी ने आवाम को दे दिया है। और आवाम ये जानते हैं, खाली मुसलमान ने ये फैलाया जाता है कि मुस्लिम 30% मुस्लिम से लेके हमारे हिंदू भाई से लेके बंगाली से लेके क्रिश्चियन से लेके सिख से लेके सब समुदाय ये चाहते हैं कि यहाँ पे दीदी मुख्यमंत्री रहे, और आने वाले दिन में दीदी जो अभी देखिए जितना बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी हो, नड्डा हो, हर लोग यहाँ पे आ रहे हैं और डेली पैसेंजर हो गए हैं, हर एक दिन में दो दिन में यहाँ पे आ रहे हैं, फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जहाँ चले जाते हैं चाणक्य माने जाते हैं, वहाँ पर जीत भी जाते हैं। यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। यहाँ पे कोई चाणक्य नहीं चलेगा, यहाँ पे एक का सिक्का चलता है, वो है दीदी ममता बनर्जी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, यहाँ पे दोनों पहलू में ममता बनर्जी है। जैसा उड़ाइए ममता बनर्जी का ही मुख दिखेगा, और कोई मुख नहीं दिखेगा। और इसी इलेक्शन से ये हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी डिसाइड होगा, और बंगाल में उन लोगों को परास्त करने के बाद, हराने के बाद ममता बनर्जी अब दिल्ली को मार्च करेगी, और पूरा का पूरा आवाम हिंदुस्तान का ममता बनर्जी के कंधे से कंधे चल के उनका हाथ को मजबूत करके आने वाले दिन में प्राइम मिनिस्टर हमारे बंगाल से होगा, और वो होगी ममता बनर्जी। ये लिख के रखिए, ये हम लोगों ने बोल दिया, और ये सबका आवाज़ है, बंगाली का आवाज़ है, मुसलमान का आवाज़ है, हिंदू का आवाज़ है, सिख का, क्रिश्चियन का, सबका आवाज़ एक ही है कि हम लोगों को कोई नहीं चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए, हम लोगों को झूठा वादा करने वाला कोई नहीं चाहिए, ये जो मिथ्यावादी हैं जो झूठ बोलते हैं आके नहीं चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार चाहिए ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर जो मुस्लिम शब्द पे आपने बड़ा जोर डाल दिया, ओवैसी साहब भी आ गए हैं मैदान में, क्या कुछ विचार है? ओवैसी साहब तो आज ही आए हैं एयरपोर्ट में, रात 8 बजे उतरे हैं बंगाल में, हैदराबाद से आए हैं, वहाँ की बिरयानी खा के, बंगाल की बिरयानी खा के वापस चले जाएंगे, और उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं और कोई रोल नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट है वो ज़रूर बढ़ सकते हैं दीदी और ओवैसी के बीच में, क्या विचार? मुस्लिम वोट यहाँ पे चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बोलिए या अब्बास सिद्दीकी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा मुस्लिम वोट इन लोगों को 1 से लेके 1.5% भी मुसलमान वोट नहीं मिलेगा। बस ये लोग जो है बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी ने इन्हें फंडिंग करके इन्हें पैसा देके खड़ा किया है ममता बनर्जी के खिलाफ, ताकि माइनॉरिटी वोट को डिवाइड किया जा सके। हमारे जब अंग्रेज जब ये चलाते थे ब्रिटिश सरकार, उस टाइम एक पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो लोगों को, बांट दो और उसके बाद अपना सरकार चलाओ, वही पॉलिसी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
पैसा यहाँ पे बांट दिए हैं सबको, पैसा के बलबूते पे अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी को भेज दिए हैं कि आप जाइए लड़िए, मुस्लिम का वोट डिवाइड करिए और ताकि हमको फ़ायदा मिल सके, हम गद्दी को हथिया सके, उसके बाद यहाँ की जनता के ऊपर हम आक्रमण कर सके। वो आक्रमण करना चाहते हैं तो इसी को जुल्म करना चाहते हैं। उस जुल्म के खिलाफ सबसे पहला आवाज़ हिंदुस्तान में अगर कोई उठाएगा तो वो बंगाल की जनता उठाएगी और ऐसा सबक देगी कि 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, छुप जाएंगे वो जाके, देश छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी, ये लिख के रखिए। आपने बताया, लेकिन ऐसे में चाचा जान जिस तरीके से अभी जो माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं, दीदी वर्सेस मोदी यहाँ पर होने को दिख रहा है साफ तौर पर। बोल रहा हूँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसके ऊपर में अल्लाह के हाथ है, जिसके ऊपर में आवाम की मोहब्बत है, उसको कौन हिला सकेगा। कितना आए और कितना चले गए, ममता बनर्जी ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जो है अपने लिए नहीं, जब तक का जिंदगी रहेगा ममता बनर्जी का सांस में सांस रहेगा, ममता बनर्जी अपने बंगाल के लोगों के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देगी। उसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी एक वाहिद है कि समझे बात, ममता बनर्जी के साथ में जितना खेला करना था वो लोग कर लिया, जितना तक खपल करना था कर दिया। योगी आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, नड्डा आ रहे, कांग्रेस है, सीपीएम है, वो अब्बास सिद्दीकी है, तो और जितने भी आ जाए, जिसको अल्लाह रखता है उसको कोई नहीं चखता है। दूसरे नंबर बात है, जिसको आवाम प्यार करता है दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकते। मोदी जी दलाली करने गए थे अमरीका का, क्या हुआ, वहाँ मुँह काला करके आ गए। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को जो है मुँह काला होकर करके बंगाल से भी जाएंगे और दिल्ली में जाके किसी खोपे में जाके छुप जाएंगे। ठीक है, आप दीदी के राज में अमन चैन है, बहुत अमन चैन है, हर तरीके से अमन चैन है। हाँ, हिंदू, ये जो हिंदू इलाका है, मुसलमान इलाका है, हम लोग एक दूसरे से गला मिलते हैं हर वक्त है। काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, हर पूजा में हम लोग जाते हैं, वो लोग ईद बकरीद सब में, मुहर्रम में, सब में शामिल होते हैं। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छी मोहब्बत, ये बंगाल सिखाता है पूरे हिंदुस्तान को कि मोहब्बत किसका नाम है, ये आपको जो है बंगाल सिखाता है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि 130 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की बंगाल में मौत हो गई है। अरे बाबा, पहले तो ये बोलिए कि 300 से ज़्यादा जो है मौत हो गई है किसान का, जिस किसान के वोट से मोदी जी आए थे, जिस पर उम्मीद किया था मोदी जी के ऊपर में, वो किसान को किस तरीके से जुल्म किया गया। इंसान है, इंसानियत के नाम पे धब्बा है मोदी, ऐसा मतलब जो बॉर्डर पे सील लगा दिया, जो पार्लियामेंट में भी ऐसा मतलब कि सील नहीं है, कि शर्म की बात है। कितना सिक्योरिटी मतलब लगा दिया लोगों को मारने के लिए, 300 से ज़्यादा मतलब जो है इसका, 300 से ज़्यादा का जिम्मेदार जो मरे हैं, इसका जिम्मेदार, इसका खूनी कौन है, एक मोदी और अमित शाह है। क्यों, किसान को चीज़ चाहिए वही ना उसको मिलना चाहिए, किसान को जो चीज़ नहीं चाहिए वो कैंसिल कर दिया, जो चीज़ चाहिए वो दे दो भाई। देश का किसान है, देश का किसान ही सब कुछ है। देश का किसान अगर वो खिदमत कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तभी तो पूरे हिंदुस्तान खा रहा है। इसमें शर्म आना चाहिए मोदी जी का कि किसान के साथ में कैसा बदसलूकी किया है और किसान को मरने दे दिया। 134 आदमी बोला बंगाल में मरा है। ये सब जो है बीजेपी का और मोदी जी का, ये सब जो है बनाया हुआ, ये नौटंकी है और झूठ है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, अमन और चैन है इस इलाके में। आप सर्वे कर लीजिए, पूरे बंगाल में जाकर के कलकत्ता में सर्वे कर लीजिए कि कौन इलाके में कितना मरा है। यहाँ मोहब्बत मोहब्बत ठीक है, ठीक है, मोहब्बत का जिक्र हो रहा है। लेकिन चाचा जान, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि सर्वे हम पूरा कर रहे हैं जी, दीदी के राज में मकान मिले लोगों को, हाँ। अब मोदी जी कह रहे हैं कि और अच्छे मकान मिलेंगे, तो हर्ज क्या है? मकान पहले तो आप किसान को मकान दे दें, उसके बाद में जो है बंगाल के बारे में सोचेंगे। किसान को दे देंगे जिस दिन, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बंगाल में देंगे। समझ में आ रहा है, समझ नहीं है, बंगाल के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मोदी जी के और जितने अमित शाह और जितना नड्डा गड्ढा अड्डा जितना लोग आएंगे और यहाँ आके बेवकूफ़ बना करके वोट लेकर कर करके और ये करेंगे। समझ में आ गया बात, इन लोगों का चेहरा अगर सुबह देख ले तो दिन को खाना नहीं मिलेगा। इन लोग से होशियार रहना चाहिए, हिंदुस्तानी को भी और ख़ास करके बंगाली को। और बंगाल के लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश, इल्तिजा है मेरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से कि आपनारा सावधान हो जान, यही रकम कथार मुद्दे जानना, आपनारा दया करे ममता बनर्जी माँ माटी मानुष के जोड़ा पुल्ले चिन्हे वोट दिए विपुल भोटे 294 सीटा 294 नहीं आसुन हमारा बांग्लादेश थकबो 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 और ममता बनर्जी के लिए थकबो हमारे सीएम ममता बनर्जी और आने वाला दिन के लिए पीएम ममता बनर्जी, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। आप जिस तरीके से एक सवाल ये बहुत मुख्य सवाल है कि इस बार ये सुनने को मिल रहा है कि टीएमसी में परिवारवाद देखने को आप आ रहा है सामने,
परिवारवाद किसमें नहीं है, नेता का बेटा नेता बनता है ना, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, चाहे आप नहीं, मेरे पापा बिजनेसमैन है, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। वो आपका पर्सनल चॉइस है। अमित शाह का बेटा कहाँ गया, क्या हक से उसने BCIS ज्वाइन किया? उसके बाद अरुण जेटली का बेटा कहाँ गया, क्या हक से उसने DCA ज्वाइन किया? पहली बात ये है। और अहम बात सबसे ज़्यादा ये है, जो ये सरकार नारा लगाती है ना, वो नारा का मतलब सीधा उल्टा होता है। इन्होंने नारा लगाया जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इनकी सोची थी शौचालय बनाने की, शौचालय बनाया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्नति के नाम में दिया क्या शौचालय, और बाद में गैस का दाम ऊपर कर दिया, इंसान ना खाएगा ना जा पाएगा। लेकिन ये भी सवाल है इसमें कि और लोग ये कह रहे हैं अगर और कोई पार्टी होती तो 1800 रुपये सिलेंडर हो जाता, ये तो कम से कम 800 में दे रहे हैं। बहुत सही बात इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत सही बात कहा। जब इससे पहले वाली सरकार थी, UPA की सरकार थी, तब बैरल प्रति बैरल कितना था, 60 रुपये के आसपास था, तब पेट्रोल हम लोगों को कितना भी मिल रहा था, वही 60 रुपये 70 रुपये मिल रहा था। ये जो बाबा है ना, रामदेव बाबा, जिन्होंने औरत की पेटीकोट पहन के भागे थे रामलीला मैदान से, उन्होंने क्या कहा था, 35 रुपये में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, ठीक है, आज नहीं मिल, आज कह रहे देश के नाम में 100 रुपये पेट्रोल खरीद रहे, तो क्या गम है। मुझे गम ये है कि आपने एक और नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बताइए ना हाथरस की बेटी का क्या हुआ, अपने बेटी का क्या किया, नरसिंहार कर दिया आपने उन्नाव में। ठीक है ठीक है, आप नारे का जिक्र बहुत कर रहे हैं, अब एक सवाल आपसे ले ले रहा हूँ कि विपक्ष ये कह रहा है ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से बहुत परेशानी है। जय श्री राम के नारे से ममता दीदी को कोई परेशानी नहीं है, ममता दीदी तो बोलती है जय सिया राम, वो सीता जी को भी जोड़ती हैं। पर आप जय श्री राम के नारे लगा देंगे? क्यों नहीं, वो जय सिया राम बोलती हैं, ममता दीदी सिखाई है जय सिया राम बोलने का, तो जय सिया राम बोला है, सीता और राम को दोनों को जोड़ती हैं। और दूसरी बात है, ममता दीदी एक ऐसी नेत्री हैं, ऐसी नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो हर धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका धर्म को मानती हैं, सबका धर्म का पालन करने का आज़ादी देती हैं, और सबको मिला के लेके चलती हैं। वो ईद के टाइम में नमाज में भी आती हैं दुआ करने के लिए, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, हम लोग के यहाँ पे SN बनर्जी रोड में काली पूजा होता है, वहाँ ममता बनर्जी आती हैं, वो पाठ पढ़ती हैं, उनको जो भी, वो अगर देखा जाए तो एक सही मायने में अगर हिंदू कोई है तो वो ममता बनर्जी है, सही मायने में कोई बंगाली है तो वो ममता बनर्जी है, सही मायने में कोई सेक्युलर लीडर है तो वो ममता बनर्जी है, वो हर धर्म का पालन करती है और सबको लेके एक साथ चलती। बिल्कुल, लेकिन ऐसे मैं ममता दीदी की बात ही नहीं करूंगा, मैं सभी पार्टियों की बात करूंगा। मुस्लिम फैक्टर खेला जा रहा है क्या? मुस्लिम फैक्टर खेला जा रहा है, ये अब्बास सिद्दीकी और एक असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ये दलाल को भेजा गया है ताकि यहाँ पे मुस्लिम वोट डिवीजन हो सके, और इन लोगों को BJP ने फंडिंग किया। हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि BJP ने इन लोगों को फंडिंग किया है, पैसा दिया है, बहुत रुपया दिया है, ताकि तुम मुसलमान को डिवाइड कर दो, ताकि हमारा जो निकलने का रास्ता, जीतने का रास्ता, वो आसान हो जाए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बंगाल की जनता सब एक साथ है, हिंदू मुसलमान बंगाली सिख ईसाई सब एक साथ है, और हम लोग ये जंग जीतेंगे, ममता बनर्जी जीतेगी, और ये जो CPM और कांग्रेस ने भी जो अलायंस किया है, ये अलायंस को कुछ भी यहाँ से हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये जनता के लिए कोई काम यहाँ पे नहीं करती हैं। CPM का लीडर का उम्र है 90 साल 95 साल, वो युवा के लिए क्या सोचेंगे, उनको अपने बारे में ऐसे में। अब परिवर्तन आप नहीं चाहते हैं? हमें सभी लोगों से सवाल है, परिवर्तन चाहते हैं नहीं चाहते? नहीं चाहिए, हम लोग को ममता बनर्जी चाहिए, ममता बनर्जी एज अ CM चाहिए, और 2024 में हमें ममता बनर्जी PM चाहिए, ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की, लेकिन ऐसे में साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि ममता दीदी के राज में हम बहुत खुश हैं, लेकिन अब चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, वोटिंग अब शुरू होने वाली है, ऐसे में साफ तौर पर 2 मई को ये साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।